गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। रात 9 बजे मेरी एक वीडियो जरूर आती है और कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी सेम आईडी से ही हूँ, बलोनी सर के नाम से ही। और क्वेश्चन नंबर 60 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है और आज एक बेहतरीन क्वेश्चन के रूप में मैं करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 61, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्स और वाई पार्टनर है, रेशियो है 5:3। देयर बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 को, बैलेंस शीट पर नजर मारो तो लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले जो चीजें दे रखी है, एक दे रखा है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एक दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ध्यान रखें, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ बढ़ता नहीं है, वो हमारे यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं छोटू मोटू कालू लालू उनका है, वो है ना, वो बेचारे रिटायर होंगे, उनको रिटायरमेंट के बाद एक थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, वो हमारी लायबिलिटी है, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन फंड का ट्रीटमेंट मैंने आपको चेंज इन पीएसआर में सारे करवाए थे। बेसिकली वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है, कोई वर्कर हमारे यहाँ इंजर्ड हो जाता है तो उसकी सेफ्टी के लिए हम ये फंड बनाते हैं ताकि वो जो भी ट्रीटमेंट हो वो उस जगह से हो जाए। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हुआ है 5,800 का, बाकी कैपिटल दे रखी है। अगर आप एसेट साइड पे नजर मारें तो आपको एक लॉस भी नजर आ रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का एसेट साइड में दे रखा, तो ये लॉस है, रिवैल्यूएशन के पार्ट्स में आएगा, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। नीचे एडजस्टमेंट पड़े, दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप 18 शेयर और 1 अप्रैल 2024, जेड ब्रिंग 20,000 कैपिटल और 12,000 गुडविल के दे रहा है कैश में, जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स, जेड ने सारा शेयर एक्स से लिया तो इसका मतलब एक्स ने ही सेक्रीफाइस किया, तो गुडविल सारी जितनी भी होगी वो एक्स को मिल जाएगी। अगर कोई पार्टनर पर्टिकुलर पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो गुडविल उसी को मिलती है जिसने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है ना। जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो दो चीजें एक लेके आता है, एक लाता है वो कैपिटल, एक लाता है वो गुडविल। कैपिटल लाने से उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है और गुडविल आने से उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, ये आपको बताइए। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी टू इंक्रीज बाय 5,000, लायबिलिटी बढ़ रही है कितने से, 5,000, इंक्रीज बाय 5,000, यानी कि जो भी हमारी लायबिलिटी है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की वो 5,000 से बढ़ रही है, तो हमें लॉस होगा या फायदा होगा? लायबिलिटी बढ़ना हमको फायदा या नुकसान? नुकसान है ना, लॉस तो कहाँ आएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा टू ई पी एफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितना हो गया हमारा 5,000 का। अब देखें, कह रहा है ऑल डेप्टर गुड हैं, तो हमने प्रोविजन बना रखा था 600 रुपए का, अब वो डेप्टर हमारे गुड हो गए तो अब हमें फायदा हो गया, फायदा होगा तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा। क्या बनाया था इन्होंने, प्रोविजन बनाया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये हो गया एक्सेस प्रोविजन और बैड डेब्ट, कितने का है 600 का। नेक्स्ट देखें, स्टॉक इंक्लूड 3,000 एब्सोल्यूट आइटम हिज रिटर्न ऑफ, स्टॉक हमारा आउटडेटेड हो गया, उसको हमने आउटडेट को हमने क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया 3,000 का, तो लॉस हो गया हमें कितने का, 3,000 का, तो स्टॉक आ गया यहाँ पे 3,000। और देखें, क्रेडिटर्स को 1,000 रुपये और ज़्यादा देने हैं, तो भैया क्रेडिटर्स को ज़्यादा देने हैं तो फिर हमारा लॉस है, कह रहे हो बेटा स्टॉक में तो ये आ गया, क्रेडिटर्स को 1,000 ज़्यादा देने हैं, ये भी हमारा एक्सटेंड हो रहा है, तो टू क्रेडिटर्स 1,000। और नजर मारो फिक्स एसेट रिवैल्यूड 70,000, जबकि फिक्स एसेट कितने की है 80,000, तो 10,000 का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब तो कुछ नहीं बचा, टोटल करो 10, 11, 12, 13, 14, 14 और 5, 19,000, 19,000 में से 600 गया तो 18,400 आ रहा है लॉस, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये दोनों पार्टनर के हिस्से में बढ़ जाएगा 18,400 को बांट दो 5 × 3 में, तो 18,400 का 5/8, 18,400 का 3/8 कितना आ रहा है 11,500, 6,900।
तो ये आ जाएगा 18,400। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट्स? इसके बाद बनाएंगे रिवेल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो, सबसे पहले आपको दे रखा है एक्स और वाई की कैपिटल, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्स की कैपिटल कितनी दे रखी है देखो, एक्स की कैपिटल है 70,000 और इसकी कितनी है 31। जेड ने कैश में कितना दिया कैपिटल, कितना दे रहा है जेड, 20,000 कैपिटल के दे रहा है और 12,000 किसके दे रहा है, गुडविल के, क्योंकि एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिल जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल जो सेक्रीफाइस करेगा उसी को मिलेगी। यहां तक समझ में आ गया सबको? रिवैल्यूएशन का लॉस कितना, लॉस तो इधर बटेगा, रिवैल्यूएशन लॉस कितना है 11,500 और 6,900। क्लियर है? अब देखो एसेट साइड में लॉस दिया हुआ है 2400 का, ये भी बटेगा टू पी एंड एल अकाउंट, 5:3 में बांटो, 8 या 24, 3 बजे 15 और 3 या 9। क्लियर हो गया? वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है 5,800, तो ये भी बढ़ जाएगा। डब्ल्यू सी आर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,800 को बांटो, 5,800 को बांटो फटाफट 5:3 में, 3,625 2,175। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, सब चीजें हमने बांट दी, गुडविल हमने बांट दी, अब कुछ नहीं है, सीधा बैलेंस निकाल दो, बस टोटल करो 20,000। यहां पे क्या जाएगा इसका बैलेंस कैरिड डाउन, यहां पे भी 20,000 आ गया, ये तो अकाउंट सबसे पहले बंद हो जाएगा। अब टोटल लिखो 70 और 12 कितना हो गया 82, 85,625। अब 85,625 को माइनस करो यहां से, माइनस 11,500 माइनस 1,500 72,625। इसका टोटल करो 33,175 माइनस करो इसको, सही आ रहा है 25,375। अब आपको इसमें बैलेंस शीट ही बनानी, क्वेश्चन में कह तो रहा है बैलेंस शीट बनाने के लिए बट बनानी है, क्योंकि न्यू पैटर्न पे अब बैलेंस शीट नहीं आती है, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है और आना भी है, तो एक आध क्वेश्चन आप कर सकते हो जिसमें आपकी बैलेंस शीट आ सकती है, और ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, और कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो बेटा आप मुझे डीएम कर सकते हैं, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।